तो श्रीलंका में तेजी से बिगड़ते हालात पर हमारे ब्यूरो हेड कपिल गौर ने राजनीतिक विश्लेषक कुलभूषण भारद्वाज से खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा श्रीलंका को लेकर वो देखिए। श्रीलंका में इस वक्त आपातकाल के हालात बने हुए हैं। जिस प्रकार से श्रीलंका में लाखों लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर को आग लगाई, राजपक्षे जो प्रेसिडेंट श्रीलंका के हैं राष्ट्रपति, उनको देश छोड़ कर के भागने जैसी खबरें सामने आई हैं। उसके बाद से श्रीलंका की इमरजेंसी जैसी स्थिति देश में बनी हुई है, क्योंकि श्रीलंका बड़े कर्ज के तले दबा हुआ था और ऐसे में वहाँ के राजनेता, नेता और मंत्री सभी अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। जनता महंगाई के बोझ तले पिसकर दब रही थी, लेकिन नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार वो दावानल, वो लावा, वो ज्वालामुखी फूटा और देखते ही देखते श्रीलंका की सड़कों पर लाखों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऐसे में श्रीलंका के आपातकालीन हालात पर मेरे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, कुलभूषण भारद्वाज जी। उनसे जानेंगे कि क्या श्रीलंका की ऐसी हालत क्यों हुई, कौन इसके पीछे जिम्मेदार था और क्या उनको लगता है अब श्रीलंका में आगे क्या होने वाला है। कुलभूषण भारद्वाज जी, श्रीलंका की खबरें चारों तरफ है, पूरे विश्व में आज श्रीलंका की बात हो रही है। हमने देखा किस प्रकार से विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री है उनके घर को आग लगा दी गई लाखों लोगों की भीड़ ने, हुजूम ने, और जो राजपक्षे राष्ट्रपति थे श्रीलंका के, उनको देश छोड़कर भागने पड़ने की नौबत तक आ गई है। तो क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा इसके पीछे, क्योंकि श्रीलंका कई मिलियन डॉलर्स के कर्ज के तले दबा हुआ। इसमें मैं समझता हूँ कि जो वहाँ के राजनीतिक दल है, जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए थे, उनकी जो लापरवाहियाँ रही, उनका जो ऐशो आराम का जीवन रहा और जनता के प्रति जो उनकी उदासीनता रही, जनता के हित के अंदर जो उन्होंने कार्य नहीं किए, ये उसका परिणाम है। और मैं तो बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जन्म भारत भूमि में हुआ, भारत देश में हुआ, और क्योंकि एक लोकतंत्र प्रणाली है, अगर आम जनमानस लोकतंत्र के अंदर अपने मत के माध्यम से किसी भी राजनीतिक दल को चुनता है, तो एक विश्वासपूर्वक उस पर विश्वास करके कि मेरा देश का हित, मेरे देश के जितने भी हम नागरिक हैं, हम सबका हित इनके हाथों में सुरक्षित रहेगा, देश आगे बढ़ेगा और देश का नाम होगा, ऐसा सोचकर मतदाता उस दल को चुनता है। लेकिन विडंबना ये है, और हमें इस श्रीलंका का जो ये राजनीतिक परिवेश हुआ है, इससे हमें सबक भी लेना चाहिए। हमारे देश के अंदर एक पार्टी विशेष जिस प्रकार से फ्री के अंदर पानी की बात करती है, फ्री के अंदर बिजली की बात करती है, फ्री के अंदर अन्य अन्य संसाधनों देने की बात करती है मतदाता को, तो हमें सबक लेना चाहिए कि फ्री के अंदर आप कब तक केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आप जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करें, उन्हें एक लालच दें कि हम ये भी फ्री कर देंगे, वो भी फ्री कर देंगे। हम भारत देश के नागरिक और हमारे जो राजनीतिक दल हैं, और एक विशेष राजनीतिक दल जो है, आपने देखा होगा, मैं कहना चाहूँगा आप पार्टी, उन्होंने दिल्ली के अंदर वो दूसरी बार आए और उन्होंने जो वायदे किए, जो जनता को प्रलोभन दिया, जनता उन प्रलोभन में तो आ गई, लेकिन उसका नुकसान हमें कितना बड़ा हो रहा है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमने जो सीखा है कि हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष का डंका बजाना चाहते हैं, तो हमें ईमानदारी से जो भी हमारा कर बनता है, जो भी हमारे दायित्व हैं, हम उनको निभाएं। हम फ्री की लालसा के अंदर अगर इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर आम जनमानस फ्री की चीज़ों के प्रति लाभान्वित होने लगा, तो मैं समझता हूँ कि एक ना एक दिन जो श्रीलंका के अंदर हुआ है वो हमारे देश के अंदर भी होगा। कुलभूषण जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में श्रीलंका के अंदर, क्योंकि तख्तापलट होने का जो अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या वो हो पाएगा, या फिर किसी प्रकार से लोग समझेंगे और सरकार, क्या आपको लगता है कि लोगों को समझाने में कामयाब हो पाएगी? सीधा सा सवाल, आने वाले समय में श्रीलंका का भविष्य आप किस प्रकार से देखें? देखो, अगर श्रीलंका ने अभी भी एक उचित कदम नहीं उठाया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय तक श्रीलंका के अंदर जो हालात हैं वो बने रहेंगे। अगर इन हालातों पर काबू पाना है, तो उन्हें एक
तय करना पड़ेगा और जनता को भरोसा और विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमारा राष्ट्र श्रीलंका जो है हम उसको अच्छे तरीके से चलाएंगे और आम जनमानस की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके अंदर भी हम जनता के सहयोग से अपने श्रीलंका को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा विश्वास जब वो आम जनमानस के अंदर व्याप्त कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी श्रीलंका के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल है उसमें स्थिरता आएगी और श्रीलंका पुनः नई सरकार चाहे जो भी बने लेकिन वो आम जनहित के लिए होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के इस परिदृश्य के अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चीन पर विशेष नज़र रखनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो चीन है उसकी हमेशा ही प्रयास रहता है कि वो अपने पड़ोसी जो मुल्क हैं उनको कमज़ोर करने का प्रयास करता है और उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर फिर अपना एक छत्र राज जो उसका एक सपना है वो उसको स्थापित करना चाहता है। तो श्रीलंका के अंदर जिस प्रकार से हालात बेकाबू हो रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा श्रीलंका देश भारी कर्ज के तले दबा हुआ था, बेशक उसमें चाइना की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को बड़े मोटे ब्याज के ऊपर कई करोड़ों रुपए ब्याज के तौर पर दिए थे, लेकिन वहाँ के नेताओं ने, राजनेताओं ने, मंत्रियों ने उस कर्ज के पैसे का दुरुपयोग किया जिसके कारण और जिसका दुष्परिणाम आज श्रीलंका के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा, दिलचस्प होगा कि क्या आगे श्रीलंका का भविष्य होने वाला है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, चैनल 24।